जैसे कि अगली वीडियो मैंने आपको इतनी डिटेल में बताया था आफ्टर इफेक्ट के बारे में, तो जैसे कि मैंने बोला था अगली क्लास हमारी बेसिक एनिमेशन पे आएगी, तो आज हमारी बेसिक एनिमेशन है और यहाँ पे जो दो चीजें आ रही होती हैं, और आज आपको मैं फुल तरीके से बताऊंगा कॉम्पोजिशन कैसे बनाते हैं, और आज की क्लास में हम सीखेंगे बेसिक एनिमेशन। ओके, और आज की वीडियो फुल डिटेल में एंड तक देखेंगा, फुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज क्या होती है, और ये जो यहाँ पे आपके पास कंटेनर आता है वो किस लिए होता है, आप कॉम्पोजिशन नहीं किस लिए बनाते हैं कॉम्पोजिशन में, कॉम्पोजाइट में जब आपके पास बैकग्राउंड के कलर्स आ रहे होते हैं आप कोई सा भी चुन सकते हैं, वो सब अभी हम वीडियो में जाके देखेंगे। तो चले आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे कोई आज की बार पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आप अपना आफ्टर इफेक्ट खोलना, आपके पास जो से भी आफ्टर इफेक्ट, मेरे पास 2018 का मैंने खोल लिया है, और मैं आपको अपनी सारी क्लासेस बताऊंगा आफ्टर इफेक्ट की। तो हमारा जैसे ही आफ्टर इफेक्ट खुल जाएगा, यहाँ पे जैसे ही आपका आफ्टर इफेक्ट खुल गया, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐसा एक रिव्यू दे रहा होगा, आगे देख सकते ऐसा एक आपको रिव्यू दे रहा होगा, और फिर आपको करना कि आपको फाइल पे जाना है न्यू प्रोजेक्ट, आप यहाँ से प्रोजेक्ट बना सकते हो अपना जो सा आपको बनाना है, लेकिन आपको सबसे पहले मैं कॉम्पोजाइट करके बता देता हूँ आप कॉम्पोजाइट कितने तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका, आप इधर दबाओगे तो आप ऐसे कॉम्पोजाइट भी कर सकते हो, और यहाँ पे न्यू कॉम्पोजिशन आ रही होगी, इधर आप दबाओगे इधर भी कर सकते हो, और यहाँ पे सबसे पहले आ रहा होगा आपके ऊपर कॉम्पोजाइट नेम, अगर आप देना चाहें तो दे दे, मैं कंपलसरी बोल करता हूँ आप दे दे नेम, तो मैं दे देता हूँ फर्स्ट क्लास, तो ये दे दी। अब ये प्रीसेट, प्रीसेट का मतलब आप कितना साइज का देना चाहते हो अपना स्क्रीन, तो मैंने इतनी करी है, मैंने कहा इतनी सही है, ओके 1280x720 पिक्सल आप कितनी भी दे सकते हैं, और यहाँ पे रिक्वायर आप कितने रिक्वायर कर सकते हैं, मैंने कहा मैं बस स्क्वायर पिक्सल्स पे करना चाहता हूँ, यहाँ पे फ्रेम रेट इधर आप कितना भी करना चाहे, मैं तो 25 पे कर देता हूँ, यहाँ पे आ रहे रिसोल्यूशन मैं हाफ पे कर देता हूँ, क्योंकि हाफ पे इसलिए करता हूँ क्योंकि फुल पे थोड़ा मसल होता है, स्टोरेज थोड़ा ज्यादा फुल हो जाता है, तो मैं ओके पे दबा देता हूँ। तो अभी देख सकते हैं ब्लैक कलर का हमारे पास आ चुका है, तो सॉरी अगर आपको जो सा भी कॉम्पोजाइट बना नई कॉम्पोजाइट बनानी हो वो ऐसे करके, तो आप इधर से आप अपना कोई सा भी कलर ले सकते हैं, मैंने ब्लैक लिया जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारे कंटेनर पे यहाँ पे फर्स्ट क्लास का नाम भी आ चुका है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे, अब एग्जाम्पल की हमारी टाइम लाइन ये सब आपको आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे इमेज एक इम्पोर्ट करनी है, आपको सिर्फ इजिली करना क्या है, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इम्पोर्ट को दबा दें फाइल, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे मेरी एक फ्लावर की इमेज है मैंने उठा ली, तो यहाँ पे आप आ चुकी है हमारी, तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने आर्टबोर्ड पे भी ला सकते हो, यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपनी कॉम्पोजाइट आप फोटोशॉप से भी ला सकते हो और इलस्ट्रेटर से भी ला सकते हो, तो इसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर ले आया, तो ये हमारी इधर आ गई। अब आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ की नीचे की तरफ, यहाँ हमारी इमेज आ चुकी है, तो यहाँ पे आपको इसको दबाना है ट्रांसफॉर्म, तो अभी हमारी सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी है, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी। अब पोजीशन, अब आपको स्केल किस लिए काम आता है, इसके लिए आपको बड़ा छोटा करने के लिए आता है काम, जो आपको चीजें आपको बड़ा छोटा करनी हो ये उसके लिए स्केल काम आता है। रोटेशन, अगर चीज को रोटेट करनी हो आपको, जैसे पता है पोजीशन, आप इधर से ऐसे भी पोजीशन कर सकते हो, और अगर आप चाहो माउस से भी यू करके पोजीशन कर सकते हो, यू आप देख सकते हो। अब मैं आपको एक बेसिक एनिमेशन करके दिखाते हैं, अब आप देख सकते हैं, अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसे, सबसे पहले हम कर देते हैं जीरो पे, अगर आपने से अनलिंक नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों फिर एक साथ हो रहे हैं, तो मैं शिफ्ट के सहारे से ऐसा छोटा कर देता हूँ ऐसा, और अगर आपको ऐसा ना हो तो आप इधर से कर ले, और मैं कह रहा हूँ आपने से अनलिंक नहीं करेगा तो वरना आपको फिर मसला करेगा बहुत चीजों पे, तो मैं ऐसे पूरा पूरा का पूरा यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ जीरो एंटर। अब ये हमारा हो गया, अब मैं यहाँ पे स्केल लगा देता हूँ, अब यहाँ पे 1 सेकंड पे मैं चला जाता हूँ, ओनली 1 सेकंड, आप चाहें तो जितने सेकंड पे भी जाए, तो यहाँ पे आके मैं क्या
देता हूँ जैसे कि 100 पे कर देता हूँ। 100 थोड़ा कम हो रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और फिर थोड़ा और बड़ा कर देना। और जब आप हम टाइम लाइन को थोड़ा पीछे करोगे और यहाँ से देखना शुरू करोगे तो आप ये देख सकते हैं छोटे से बड़ा हो रहा है। आप ऐसे भी इजिली से कर सकते हो ऐसे एनिमेशन। अब आप ये देख सकते हैं ऐसे, अगर आपके पास ऐसा नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू का एक ऑप्शन आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप विंडो पे जाएं, यहाँ पे आपको प्रीव्यू को ढूंढना पड़ेगा। ये देख रहे हैं प्रीव्यू आ रहा है, इधर से भी आप ला सकते हो। तो आप इधर से भी ऐसे दबा के प्रीव्यू अपना देख सकते हो। अब मैं चाहता हूं ये रोटेट होते हुए इधर आए, रोटेट होते हुए ऐसे की ऐसे ही आए बड़े से छोटे होते हुए। तो मैं रोटेट कर देता हूँ, रोटेशन को मैंने इधर क्लिक किया। अब ये जो ये की फ्रेम क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये होती है हमारी जो बीच की, इसकी जितनी भी वैल्यूज है उसकी 100 पे आते आते वो हो जाती है। तो मैं यहाँ पे गया, तो अब ये चिकन में रोटेशन भी चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ, इधर मैं चला जाता हूँ और इधर मैं कर देता हूँ 1। और जब आप इधर आएंगे और जब आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करोगे तो आप ये देख सकते हैं रोटेट होते हुए आ रहे। अब मैं चाहता हूँ ओपेसिटी यहाँ पे हम दे देते हैं, और इसके पहले ओपेसिटी आपको 0 करना बहुत जरूरी है। और फिर यहाँ पे आके इधर आपको आके इसकी ओपेसिटी कर देनी है। और अगर आप चाहें तो इस इधर दबाएंगे तो आप इस वाली की फ्रेम पे पहुंच जाएंगे, और अगर आप इधर दबाओगे तो आप इस वाली की फ्रेम पे पहुंच जाओगे इजिली। तो आप ये देख सकते हो ऐसा भी इजिली से अपने की फ्रेम पे पहुंच सकते हो। और इसकी मैं ओपेसिटी दे देता हूँ 100। और जब आप इधर जाओगे तो आप ये देख सकते हैं ये कितना हमारा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन भी दे देते हैं, पोजीशन दे दी पोजीशन। अब यहाँ पे आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं क्योंकि नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसका साइज बहुत छोटा किया हुआ है, तो मैं इसे इस तरफ ले जाता हूँ। इस तरफ ले जाने के बाद यहाँ की तरफ आके मैं इस वाली की फ्रेम पे आके मैं इसे ले आता हूँ अपने बीच की तरफ। और जब आप अपनी अपनी वो देखें, ये आप देख सकते हैं, ये प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ब्लू और ग्रे का आ रहा है, तो इन्होंने 10 सेकंड का दिया हुआ होता है, लेकिन अभी मैंने 1 सेकंड का किया है। तो मैं यहाँ पे तो अब ये आपको टूल म्यूटेड में भी दिखाता रहेगा, अब ये देख सकते हैं ऐसे, ये अब आपको ऐसे दिखाता रहेगा। ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमने ये लग रहा है। आओ अब ये थी हमारी, इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना अभी तक समझ आ गया होगा। चले अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ये फ्लावर मैंने एक और लाया हुआ था, इधर मैं इसकी इमेज ले आता हूँ और यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। और ये पुट करने के बाद अब इस फ्लावर की इमेज को भी मैं यहाँ पे जाता हूँ, और फिर यहाँ पे जाने के बाद इस फ्लावर की इमेज को मैं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ, स्केल दे देते हैं, रोटेशन दे देते हैं, ओपेसिटी और पोजीशन। और जब आपने इतना दे दिया तो जब ये इतना आए तो मैं इधर इसे इस तरफ कर दूं। और फिर जब आप इस तरफ तो ये देख सकते हैं ये जा रहे है और ये आ रहा है, ये आप देख सकते हैं वो जा रहा है और ये आ रहा है। ये आप ऐसे इजिली से कैसे इजिली से आप कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं वो जा रहा है और ये आ रहा है। तो ये थी हमारी आज की क्लास बेसिक एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट में मैंने आपको बताया है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, तो हमने टीचर को अपने मुझे इजाजत दी है। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।